एवियन पोस्ट हिंदी न्यूज वेब पोर्टल। नमस्कार, मैं हूं संदीप पाठक और आप देख रहे हैं फटाफट पांच। बंद होगी रघुवर सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। आईएम रांची, औसत स्टाइपेंड 95,000 से 1,97,000 तक, 52 नई कंपनियां आईं। झारखंड की हेमंत सरकार एक्शन में, रद्द होंगे 3.93 लाख राशन कार्ड। कोरोना वायरस से चीन में अभी तक 25,000 लोगों की मौत, 1.5 लाख संक्रमित। कोहली की ब्रांड वैल्यू शाहरुख सलमान से 4 गुना ज़्यादा, पत्नी अनुष्का 18वें स्थान पर। अब खबरें विस्तार से। झारखंड की हेमंत सरकार ने इस वित्तीय वर्ष कृषि विभाग के बजट में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके अनुसार रघुवर सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना बंद होगी। इस योजना मद में खर्च होने वाली राशि का उपयोग अब किसानों का कर्ज माफ करने में किया जाएगा। आईएएम रांची के विद्यार्थियों के औसत स्टाइपेंड में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष का औसतन स्टाइपेंड 95,000 से लेकर 1,97,000 रुपये तक रहा। इस वर्ष 281 छात्रों की नियुक्ति के लिए 125 कंपनियां आईं। एमबीए बैच के लिए औसत स्टाइपेंड में पिछले वर्ष की तुलना में 5.36% की वृद्धि हुई है। खाद्य आपूर्ति व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि विभाग से उन्हें जानकारी मिली है कि 3.93 लाख राशन कार्डधारियों ने कार्ड बनाने के बाद कभी भी राशन नहीं लिया। इसका साफ मतलब है कि संबंधित कार्डधारियों को राशन की ज़रूरत नहीं है या फिर गलत लोगों के नाम से राशन कार्ड बना हुआ है। ऐसी स्थिति में इन कार्डों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चीन में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस संक्रामक बीमारी के प्रकोप को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच एक नई रिपोर्ट बताती है कि आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट की गई मौतों की तुलना में वास्तविक मृत्यु दर बहुत अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार चीन में अभी तक 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल करीब 1.5 लाख लोग इस संक्रमण बीमारी से ग्रस्त हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली ब्रांड वैल्यू की लिस्ट में लगातार तीसरे साल टॉप पर बरकरार हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू 2019 में 39% से बढ़कर 1691 करोड़ रुपये पहुंच गई। यह रिपोर्ट ग्लोबल एडवाइजरी फॉर्म FN फेल्प्स ने जारी की। कोहली की ब्रांड वैल्यू रोहित शर्मा से करीब 10 गुना ज़्यादा है। कोहली ने इस मामले में महेंद्र सिंह धोनी, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को भी पीछे छोड़ दिया है।